Hey guys, welcome back to my channel Career Tips, where we talk about career related tips and tricks. और हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी होने वाला है हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. गाइज, मेरे वीडियोस मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे. कैसे बन सकते हैं हम एक फैशन डिजाइनर? जी हाँ, आज के इस एपिसोड का टॉपिक है करियर इन फैशन डिजाइनिंग. आज हम बात करने वाले हैं फैशन डिजाइनर बनने के लिए क्या स्किल्स, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कितना स्कोप है इस फील्ड में और कितना करियर अपॉर्चुनिटी है. गाइस, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके ड्राइंग स्केच स्किल्स बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, आपकी समझ है फैशन, फैब्रिक, ट्रेंड्स, कलर की, तो आप अपने आप को फ्यूचर में एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर के रूप में देख सकते हैं. अगर आप कपड़ों के डिजाइन्स को देखकर आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो आप उन डिजाइन से भी अच्छा कुछ बनाने की सोचते हैं, तो यानी कि आप में फैशन डिजाइनर बनने की क्वालिटी है. तो ये तो होगी बात उन बेसिक स्किल्स की जो फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट के पास होनी चाहिए. साथ ही साथ गाइस, आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से क्रिएटिव फील्ड है, तो इस कोर्स को करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि. अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और आप फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ही आप इस कोर्स को करने का डिसीजन ले. तो गाइस, ये तो बात हो गई स्किल्स एंड क्वालिटीज की. अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स की, जो इस कोर्स को करने के लिए जरूरी होती है. सो गाइस, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2, यानी 12th पास आउट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो जिसमें आपका 12th स्टैंडर्ड कम्प्लीट होना चाहिए. उसके बाद आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं तो गाइस, आपके पास ऑप्शन है डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर डिग्री एंड मास्टर्स. So it's totally up to you कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या बैचलर डिग्री प्रोग्राम. बेसिकली जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं गाइस, उनकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है. मैं यहाँ पर आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के नाम बता देती हूँ, जैसे डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड सर्टिफिकेट फैशन डिजाइनिंग. तो गाइज, ये थे डिप्लोमा कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है. साथ ही साथ आपका इसमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें बीए कर सकते हैं, बीए इन फैशन डिजाइनिंग, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग एंड बीबीए इन फैशन डिजाइनिंग, जो कि 3 ईयर्स का कोर्स होता है. गाइज, मास्टर्स भी इसमें अवेलेबल है. साथ ही साथ आप मास्टर्स भी कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में, जो कि 2 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता है. मास्टर्स में जो कोर्सेज हैं वो है एमएससी इन फैशन डिजाइनिंग, एमएससी इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, एमबीए इन फैशन डिजाइनिंग मैनेजमेंट, एमएससी इन फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग. सो गाइस, ये थे हमारे डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्सेज, जो मैं आपको भी बता चुकी हूँ. तो गाइस, ये तो बात हो गई हमारी कोर्सेज एंड उनकी ड्यूरेशन की. अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट जहाँ से हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो गाइस, आजकल हर शहर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमें मान्यता प्राप्त अच्छे और बड़े फेमस इंस्टीट्यूट से ही करना चाहिए. टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें जहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आपको देना होता है एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम. उसको क्लियर करने के बाद आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे सकते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, यानी कि बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के भी आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन निफ्ट जैसे बड़ी ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए, बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, पहले आपको फैशन डिजाइनिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी और उसको आपको क्रैक करना होगा. एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ बात कर रही हूँ तो गाइज, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपने वो मिस कर दी है, आप मेरे चैनल पर न्यू है, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कैसे करें आप बिना कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी. आप उसे एक बार जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए. गाइस, फैशन डिजाइनिंग को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, गारमेंट डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग. इसके अलावा फैशन बिजनेस मैनेजमेंट में भी इसको डिवाइड किया गया है, फैशन रिटेल मैनेजमेंट, फैशन मार्केटिंग एंड डिजाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट. स्किल्स एंड क्वालिटीज, कोर्सेज एंड ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूट एंड एडमिशन, ये सारी बात हम कर चुके हैं. अब हम बात करने वाले हैं
स्कोप की यानी कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम कैसे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, इसमें कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज है। आज के दौर की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में गारमेंट्स एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग काफी डिमांड में है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद फैशन हाउस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप प्रोडक्शन, फैशन मार्केटिंग, डिजाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फैशन मीडिया, क्वालिटी कंट्रोल एंड ब्रांड प्रमोशन में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन कंसल्टेंट, टेक्निकल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्शन पैटर्न मेकर, फैशन कोऑर्डिनेटर, इन सभी में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, फैशन डिजाइनिंग के लिए स्कोप आगे बढ़ता ही जाता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप तरक्की करते जाते हैं। कंपनीज में अच्छी जॉब एंड सैलरीज के साथ साथ आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद का बुटीक, गारमेंट स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। टीचिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो किसी फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइज, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले फैशन वीक्स शोज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे लैक्मे फैशन वीक। इन फैशन वीक में अपना कॉस्ट्यूम, एसेसरीज, ज्वेलरी जो भी आपने डिजाइन किया हो वो आप शो कर सकते हैं और फेमस फैशन डिजाइनर्स की लिस्ट में अपना भी नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आप करियर से जुड़ी हर हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, अभी लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए करियर से जुड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।